हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी भी गूगल एडसेंस की पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है और इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए जो आपने डिटेल भरी है, जैसे कि स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम, वो चेक कर लीजिए कहीं आपने गलत तो नहीं भरा है। अगर गलत है जल्दी से उसे ठीक कर लीजिए। अगर गलत भर रखा है आपने तो अपने अकाउंट में जाके, अपने बैंक में जाके जल्दी से संपर्क कीजिए, वरना आपकी जो पेमेंट है वो रुक जाएगी। पर अगर आपने जो डिटेल है सारी सही से भर रखी है तभी भी आपकी पेमेंट नहीं आई है तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूँ, फरवरी और नवंबर के महीने में ऐसा होता है कि पेमेंट कभी कभार लेट हो जाती है। मेरा था नवंबर में, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी पेमेंट करीबन 30 तारीख को आई थी, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। अगर आपका जो फरवरी नवंबर महीना चल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। पर अगर ऐसा नहीं है तो कभी कभार होता है कि आपकी पेमेंट बड़ी होती है, यानी 20 से 25 हज़ार रुपये होती है, 30 हज़ार रुपये होती है, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट में जाना होगा, अपने बैंक में जाना होगा और वहाँ पे KYC करानी होगी या आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें बताना होगा कि ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। फिर इसके बाद आपकी जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।